रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो मार्ट के कारण कंज्यूमर कंपनीज को किराना सामान के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने दे डाली है चेतावनी। 900 अरब डॉलर के किराना बाजार में नहीं होने देंगे सप्लाई, घर की जरूरतों का सामान मिलना हो जाएगा बंद। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, क्या है पूरा माजरा, चलिए जानते हैं। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियोमार्ट पार्टनर ऐप ने भारत के किराना बाजार में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि इस ऐप के आने के बाद से किराना सामान के डिस्ट्रीब्यूटर्स की सेल्स में लगातार गिरावट आ रही है। ऐसे में सेलमैन ने चेतावनी दी है कि अगर कंज्यूमर कंपनीज ने रिलायंस को कम कीमतों पर प्रोडक्ट ऑफर करना बंद नहीं किया तो वो किराना स्टोर्स की सप्लाई बाधित कर देंगे। बीते दिनों रैकेट, हिंदुस्तान यूनिलीवर और पामोलिव जैसे कंपनियों के लाखों डिस्ट्रीब्यूटर्स और सेल्समैन से जुड़ी एक रिपोर्ट रॉयटर्स ने पब्लिश की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि किराना स्टोर्स लगातार रिलायंस के साथ जुड़ रहे हैं, इस वजह से उनकी सेल्स में 20-25% की गिरावट आ रही है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? दरअसल जियोमार्ट ऐप के जरिए किराना स्टोर अपनी दुकान से ही ऑर्डर करते हैं और 24 घंटे में उन्हें डिलीवरी मिल जाती है। डिस्ट्रीब्यूटर की तुलना में रिलायंस उन्हें ज्यादा मार्जिन भी देता है। ऑर्डर कैसे करना है इसकी ट्रेनिंग भी दुकानदारों को रिलायंस दे देता है। लेकिन रिलायंस के जियोमार्ट के कारण एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। दरअसल देश में करीब 4,50,000 सेल्समैन हैं जो दशकों से गांव और शहरों के कोने कोने में जाकर किराना स्टोर से सामान का ऑर्डर लेकर उन्हें सप्लाई करते रहे हैं। लेकिन रिलायंस ने इस सप्लाई चेन को प्रभावित कर दिया है, जिस कारण डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन ने कंपनियों से समान रेट की मांग की है। मतलब ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन, जिसमें तकरीबन 4,00,000 सदस्य हैं, इन्होंने कंज्यूमर कंपनीज को लेटर लिखा है। इसमें उन्होंने रिलायंस जैसे बड़े कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूटर्स और उन्हें एक जैसी कीमतों पर सामान की सप्लाई करने की मांग की है, लेकिन ऐसा ना करने पर चेतावनी भी दी है। फेडरेशन ने कहा है कि अगर सामान कीमतों पर सप्लाई की मांग को नहीं माना जाता तो उनके सेल्समैन किराना स्टोर्स को सामान की सप्लाई करना बंद कर देंगे। लॉन्च हुए नए प्रोडक्ट्स भी किराना स्टोर्स तक नहीं पहुँचाए जाएंगे। फेडरेशन ने इसके लिए कंज्यूमर कंपनियों को 1 जनवरी तक का समय दिया है। फेडरेशन की ओर से रैकेट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोलगेट और 20 अन्य कंज्यूमर गुड्स कंपनीज को एक पत्र भेजा गया है। पत्र में मांग ना मानने पर असहयोग आंदोलन बुलाने की भी चेतावनी दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत में लगभग 900 अरब डॉलर का रिटेल मार्केट है। इसमें किराना स्टोर्स की हिस्सेदारी करीब 80% की है। वर्तमान में 150 शहरों में लगभग 3,00,000 स्टोर्स रिलायंस से सामान मंगवाते हैं और कंपनी का टारगेट 2024 तक 10 मिलियन पार्टनर स्टोर्स तक पहुंचने का है। यानी बहुत से लोगों की आजीविका जियोमार्ट के आने से प्रभावित हो रही है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।